नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों पर है। एसएससी जीडी 2023 को लेके मेरे से इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे इस समय 10th और 12th पास किए हैं वो बोलते हैं सर एसएससी जीडी की क्या हम तैयारी कर सकते हैं 2023 की, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें लगभग 80,000 पदों की वैकेंसी आने वाली है, जो कि ऑल इंडिया में सबसे बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। इतने बड़े पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है, इसीलिए तो अभी नए बच्चे जो 10th क्लास पास किए हैं और 12th क्लास पास किए हैं उनका एक क्वेश्चन रहता है कि सर एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए हम भी आपकी एकेडमी आ सकते हैं या क्या हम भी तैयारी कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में जो बच्चा इस समय 10th पास कर लिया, जिसकी एज इस समय 17 साल है, वो तैयारी कर सकता है एसएससी जीडी 2023 की, क्योंकि ये वैकेंसी भी 1 साल बाद में आनी है और इसका ये पहला बैच आप जो फोटो देख रहे हो ये फर्स्ट बैच है। आपको अगर एसएससी जीडी के थ्रू खुद ही बनना है, मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी में से क्या क्या होता है, कितना इसका क्राइटेरिया, क्या एजुकेशन है, इससे कौन कौन से फौजी आप बन सकते हो, पहले इस बात को आप समझ लेना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एसएससी जीडी है क्या, इसका भी पूरा का पूरा जवाब है इस वीडियो में। तो जिस बच्चा जो 10th पास है और 17 साल है वो अभी इसकी तैयारी कर सकता है। मैं आपको बता दूं इसका पेपर थोड़ा सा टफ होता है, आप सोचिए कि अभी 1 साल बाकी है फिर भी फर्स्ट बैच इसका बन गया है और लगभग ये 150 बच्चों का बैच है अभी से एसएससी जीडी का। अब मैं आपको बताऊं सब ज्यादा तो जो क्वेश्चन रहता है कि सर एसएससी जीडी की तैयारी कौन कौन कर सकता है, इसका एज क्राइटेरिया क्या होता है, एसएससी जीडी होती क्या है। देखिए एसएससी जीडी में आपको बता दूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, यानी जनरल ड्यूटी के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जवान तैयार किए जाते हैं और जो चुने जाते हैं वो एसएससी जीडी। कौन कौन से देखिए एनआईए, इससे कौन कौन से पोस्ट पे जाते हैं, एसएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, पीएसएफ और एआर, यानी असम रैंक। ये 8 फोर्सेस हैं जिनमें आप एसएससी जीडी के थ्रू सेलेक्ट होते हो और इसमें आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हो। इसमें क्या फायदा होता है पहले तो मैं आपको, इसमें आपको आरक्षण मिल जाता है, आर्मी या नेवी एयरफोर्स में आपको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलता, इसमें आरक्षण मिल जाता है। प्लस इसका फिजिकल थोड़ा सा आसान होता है। देखिए जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए इसमें हाइट 170 सेमी होती है लड़कों के लिए, 157 सेमी होती है लड़कियों के लिए। लेकिन वहीं अगर बात करें एसटी कैटेगरी की तो 162 सेमी और लड़कियों के लिए 152 सेमी। ठीक है, एक तो ये छूट मिल जाती है। दूसरी बात, इसका एज क्राइटेरिया 18 से 28 साल, यानी जिन बच्चों की एज 18 से 28 साल है वो एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 18 से 23 साल एज रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी में 3 साल का छूट देके 26 साल रखी गई है और एसटी कैटेगरी में 5 साल का छूट देके 28 साल एज क्राइटेरिया बना दिया गया है। इसका फिजिकल में 5 किलोमीटर की रनिंग होती है जो कि 24 मिनट में आपको करनी होती है और आप आसानी से इसको कर भी सकते हैं। आप सब जवान है आपको भी पता है कि फौजी बनना है तो थोड़ा बहुत होगा छुटाना है। इसमें स्पेशल क्या होता है कि जिसकी बदौलत इसमें नौकरी लगती है, तो मैं बताऊं इसमें स्पेशल होता है पेपर जो कि पूरे 100 नंबर का होता है। इसमें लगभग बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं यानी जो चुनिंदा स्टेट है, बड़े बड़े स्टेट जहाँ से ज्यादा फौजी बनते हैं, आप सभी को पता है वो स्टेट जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, MP, ये जो स्टेट है इनमें यूपी, बिहार, यहाँ से मेरिट 80 के आसपास रहती है, इसीलिए इसका पेपर बहुत जरूरी होता है। 100 नंबर के पेपर में 25-25 नंबर के इसमें क्वेश्चन आते हैं मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी के, यानी पेपर का सिलेबस इजी है, मेहनत ज्यादा चाहिए। तो जिन बच्चों का ये एज क्राइटेरिया है वो इनकी तैयारी कर सकते हैं एसएससी जीडी के। मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए एसएससी जीडी से ये 8 प्रकार के फौजी आप बन सकते हैं। इसमें से चाहिए आपको एनआईए में जाना तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, एसएसएफ में जाना है, सीआईएसएफ में जाना है, सीआरपीएफ में जाना है, बीएसएफ में जाना है, आईटीबीपी में जाना है, असम राइफल में जाना है, जिसमें भी आपकी इच्छा हो। और ये लड़कों और लड़कियों के दोनों के लिए आती है। लगभग ये इस बार 80,000 पोस्ट पर ये वैकेंसी आनी है, पोस्ट ऑफ वैकेंसी 80,000, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। तो जितने भी बच्चे जो इस समय 10th पास किए हैं वो 11th क्लास के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं लाडलो, और जो 12th पास किए हैं वो बच्चे भी जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर सकते, जिनकी एज 18 या 19 या 21 साल से ज्यादा हो गई, वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है लाडलो, और भी इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत लाडलू।